आज महाराष्ट्र विधानसभा के लिए स्पीकर का चुनाव होना है। विधानसभा अध्यक्ष पद पर आमने सामने का मुकाबला होगा और इसमें स्पीकर पद के लिए कांग्रेस ने नाना पटोले को उम्मीदवार घोषित किया है, तो वहीं बीजेपी ने इस पद के लिए किशन कथोरे को प्रत्याशी बनाया है। उद्धव ठाकरे ने कल अपना जो फ्लोर टेस्ट है वो पास कर लिया है, लेकिन एक बार फिर से चुनौती यहां पर स्पीकर के चुनाव को लेकर, जहां पर गठबंधन प्रत्याशी के खिलाफ बीजेपी का भी एक दाव अब देखने को मिल रहा है और सबकी निगाहें आज एक बार फिर से विधानसभा में होगी और ये देखना होगा कि आखिरकार स्पीकर को लेकर क्या कुछ यहां पर सामने आता है। तो ये दूसरी चुनौती हम कह सकते हैं उद्धव ठाकरे की। कल पहली चुनौती थी शपथ लेने के बाद, जब शक्ति परीक्षण यहां पर करना था, बहुमत परीक्षण यहां पर देना था, फ्लोर टेस्ट यहां पर करना था और आखिरकार 169 विधायकों का साथ यहां पर उद्धव ठाकरे को मिला और उसके साथ पहली चुनौती को उन्होंने जीत लिया। लेकिन अब ये दूसरी चुनौती है जहां पर आज विधानसभा में स्पीकर का चुनाव होना है। तो महाविकास अघाड़ी ने कांग्रेस के नाना पटोले को अपना उम्मीदवार बनाया है, वहीं बीजेपी की ओर से बने तो किशन कथोरे को मैदान में उतारा है। तो कल सदन से वॉकआउट कर दिया गया था बीजेपी के जरिए, बताया गया था कि ये जो पूरी प्रक्रिया चल रही है स्पीकर के बिना वो असंवैधानिक है और ऐसे में आज देखना होगा कि आज सदन में किस तरह से ये जो पूरी कार्यवाही है वो चलती है, क्योंकि आज स्पीकर का चुनाव होना है जहां पर महाविकास अघाड़ी ने कांग्रेस के नाना पटोले को अपना उम्मीदवार बनाया है, तो वहीं बीजेपी की ओर से किशन कथोरे मैदान में हैं।